तुम्हार बदला हो जाए और काम हो जाए। मैं है तुम आया है नई खबर लेकर के, उससे पहले एक बार दो बार अरे दो चार छह सात बार नहीं, हमने सात सात बार ऊपर चढ़ाई किया है। अरे पृथ्वीराज भाई अपन एक आपके खबर बताओ, जब खबर बता दे तो गुस्सा आएगी, तरी तेज गुस्सा आएगी। अरे भाई तुम्हारे लायक खबर बताया नहीं पसंद आई कोई बात नहीं क्या पृथ्वीराज भाई? पहले यू तो सोचा जब तुम चढ़ाई किए रहो तब तुम अकेले रहो, आवाज धांधु और ताहर जैसे वीर सात लाख सेना रहा, आज तुम्हारे आज तुम्हारे नौ लाख सेना है। अब चुप पे चले जाए, जय बार हम से सैयद चले कई बार गिरीन परे हैं, थोड़ी दूर तक चढ़े गिरीन परे, तुम्हारे कहे पर से सैयद न चढ़वाए। सिर सैयब चढ़े कौन जरूर है तुम्हें तो कहा सैयब सैया नहीं रे ससुराओ, सिर जब चीज का नाम लेना नहीं आता है तब नाम मत लो। कोई आसान का नहीं है मलखान, कोई ऐसी बसी चीज नहीं है। मैंने आपसे बता दिया कि मैंने उस पर सात सात बार चढ़ाई किया, इसलिए तुम हमारे दरबार से सोल निकल जाओ। अरे ठीक है पृथ्वीराज भाई, नहीं जाना चाहते मत जाओ, नाराज क्यों होते हो? हमने खबर बताना था बता दिया। अच्छा अगर चाहो तो हमारे दोनों भैनवन से मिला दियो, धांधु और ताहर भैनवन से आए हैं तो मुलाकात कर ले, अपने घर का चले जाइए। का तुम धांधु और ताहर से और का मुलाकात मिलना चाहते हो? और का ठीक है, हम धांधु और ताहर से तुम्हें अवश्य मिलेंगे। ताहर को दरबार में हाजिर किया जाए। मोबाइल ला, मोबाइल ला, फिर से फोन ला मोबाइल, मोबाइल चार्जिंग पर लागो बैठे नहीं। थाल ब्याल, थाल ब्याल 36 तीन बार 14 जो दरबार में इधर के नंबर रखा था, थाल ब्याल 36 तीन बार 14 हेलो 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 हाँ कौन कौन बोल भैया? आप कौन बोल रहे हैं? अरे हम यहाँ महाराज के हम नौकर आए बोले थे। क्या बात है? आप ताहर बोल रहे हो? हाँ मैं ताहर बोल रहा हूँ, राजकुमार ताहर, आपको महाराज जी दरबार में याद कर रहे हैं। चलिए आ रहा हूँ, जल्दी आओ। तो मेरी हर लहर तबाही करीदे की तरफ है, मेरी हर लहर तबाही करीदे की तरफ है, मेरी हर लहर तबाही करीदे की तरफ है, और दुश्मन कलीसाला तेरे सीने की तरफ है। दुश्मन कलीसाला तेरे सीने की तरफ है, भैया कहो कहो आए पिताजी नहीं पूछो किस लिए बुलाया है? हमका नहीं मालूम, लेकिन यहाँ सब जने मुंह बनाए बैठे हैं, देखो जाए तनी का बात है। सब जने मुंह बनाए बैठे, कोई समझ में नहीं आता, सब स्त्रियां बैठी हैं। शानी तेरी नजरों में
सब्सिडी नजर आते हैं। देखा हो जाए भाई, देखा हो जाए राजकुमार भैया, देखा हो जाए कौनी में से पिताजी उन्हों मुंह हिल गए हैं, मामा आए हैं उन्हों मुंह बनाए बैठे, जान पर कोई जान पर अकेले ही नहीं है कोई तेरे। यानी बाबा जी आए हुए हैं। हाँ, सब जने पता नहीं कौने में गुब्बार में फूले बैठे, कहा सोच रहे हैं, कहा सोच रहे हैं। जाओ तो फाटा पर ड्यूटी दो। पिताजी तो क्यों बुलाएगा दरबार में, जाओ। जरूरी पड़ा आज कल जो तू पूछता हूं जे चलते पतला ये पिताजी। बहुत दिन के बाद तुम्हारे माहिल मामा आए हैं क्या? और वो आपसे मिलना चाहते हैं। यानी हमारे मामा जी आए हुए हैं? जी हाँ। नहीं सही। अब आपसे मिलना चाहते हैं और अब उन्हें कायदे से समझा देना, आखिर उनसे मुलाकात कर लेना और उन्हें यह कह देना हमारी तरफ से प्रणाम, मत कुछ काम के लिए जाता, उन्हें कायदे से समझा देना। पिताजी मैं बाबा जी से अवश्य बात कर लूंगा। क्या भैया, क्या बात है? धूंधा भैया कहाँ रह गए? क्या धूंधा भैया कहाँ? माइको को ना मारो, पति धंधू बोलते हैं कहर इस फाय यानी हमारी फौज का सिर तला धंधू कहाँ है? आता ही होगा सर। ठीक है, आता ही हमारे सेनापति को बहुत जल्द से जल्द दरबार में बुलाया जाए। नंबर मिलावे दियो, तिन्नानवे तिन्नाना डाल दिया, फन्नाना निकाल लिया, मुरझाना। हेलो। हाँ भैया। हाँ महाराज और राजकुमार ताहर तुमका याद कर, जल्दी आ जाओ। ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। तो सितारे हिंद में रुतबा रहे सरकार का, हमेशा खुश नजर बक्से में पानी। सेनापति ताहर बोलो, ताहरी भैया, ताहरी भैया जल्दी बोलो। साहब आपके सामने है, आखिर क्या कहना चाहते हो? तुझे मालूम होना चाहिए कि दरबार में मामा जी आए हुए हैं। जाने हमारे मामा जी आए हुए हैं। चलो चल करके मामा से मुलाकात करते हैं। हम लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं। साले 200 रुपया ला, 200 रुपया ला, 200 रुपया दे साले, 200 रुपया दे साले, फ्री में मजा। कह रहे भटौना ससुराल हम आगे, हम ये साहब पीछे से भी लग।
साले हम गले मिल रहे थे अपने भाई से, तू साले पीछे क्या कर रहे? जगह नहीं खाली रहा, जगह पीछे के खाली रहा, पीछे से मिले ला जा। जगह नहीं खाली। और ताहर भाई लोग ठीक ठाक है? हाँ मामा जी, सब कुशल मंगल है। बताओ आज के बाद और 20 साल पहले के बाद हैं? क्या नहीं मामा जी? कौन दसा 20 साल पहले महाराज क्या बताई? हटाओ कहा करी है बाबा जी, क्या कहना चाहते हो? या के बात आ ध्यान आ गए रहे तो हम कहते पूछी कि ना पूछी, हटाओ रहा। बोलिए बाबा जी, बाबा जी बोलिए। बता वहीन का परी है? नहीं माना तो बता दे, लेकिन बाद में भी हमका कहे ना कि काहे बताए। मैं जानना चाहता हूँ, अगर जो यहाँ से बिना बताए चले गए तो मैं तुम्हारा सरकार। यहाँ तो हम चाहिए बोलिए बाबा जी। देखो ताहर बहन, आज के 20 वर्ष पहले क्या हुआ था? सिरसा का बलखान वाला दल, अरे तुम्हारे दिलीप चढ़ाई कर दी। क्या तुम्हारे दिलीप चढ़ाई कर दीन? और का हमारे दिल्ली पर चढ़ाई क्या है? फिर क्या हुआ? चढ़ाई कर दी क्या तुम्हारे बाप का जबरदस्ती बांध कर तुम्हारी बहन पहला का ब्याह हुई कर लेगी? शादी बहन का ब्याह कराया? और का यह बात तुमका महाराज ने बताया इनका? हमें अभी तक कोई खबर नहीं। ओहो यह बात यहू तेरी का कौन राज है? बताओ अपने लड़के हमें बताओ या कोई बात तो आ रहा ही। चलो नहीं बताए कोई बात नहीं, हम बताए दी थे दंड बांध के तुम्हारे बाप का जबरदस्ती पाए पुजवा ली। अब भाई गौन लेकिन नहीं गवा है। और हम आए यह बात महाराज से बताओ। महाराज कहा था जब तुम आवत कौन न कौन हुआ फरफांदू लाई कहीं बैठे। यानी बाबा जी औका हम का बहुत सिरसा करता बैठा नहीं हमारे पिता के दांत मार के कब आ रहा है? अरे भटाउनू जब तुमका तभी जब तुम हगहू वाला नहीं रहा जब पहली दफा आए रहन जब तो जब ताहर का जैसे गोदी में तैसे हमारे जो गोदी में पेशाब कर माने छल रहे और तुम हमारे सामने बात कर तू तीर के हैं नहीं जाने रहा तू पचे कहा जनो तब 7 लाख सेना रहा और न धांधु रहा न ताहर रहा। अरे बताई तो नहीं है वो हम कहे चलो बदला ले लीन जाए तो बतावत की जब आओ तो फरफंदे बांधा कर झूठे बात बताओ। हाँ सही बात है भैया, अगर महाराज जाऊं नहीं कीने हम बच्चे जब सयान हो गए तो हम बच्चे भागम न पसड़म न। और का सही बात मामा ताहिर भाई नो अगर जे बलखान ने पार पुजाया है तो उसका सरकार करके सबर भूमि पे खेल दूंगा। ऐसा हो जाए ताहिर भाई नो अगर तुम जा ले अपनी बेइज्जती का बदला ना लियो तो जा ले हमारी बहन के लड़का ऐसा ही होगा। मामा जी माले बात पिताजी से जरूर पूछूंगा। पूछो जरूर, पूछो जरूर। हम पीछे बैठे अगर जरूरत पड़े तुरंत आवाज़ दो तुरंत हम आ जाएंगे। दे रायो ना हम बाबा जी जाओ बगल में बैठ करके चाय नाश्ता करो। बेटा ताहर तुम्हारे मामा से तुमसे मुलाकात हुई कहा से उनकी सेवा सत्कार कर दिया? हाँ पिताजी हमने मामा जी की मुलाकात भी की और चाय नाश्ता भी करवाया। यह तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन पिताजी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर क्या पूछना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूँ कि बहन बेला की शादी कैसे हुई? लगा दिया साला महिला को।
छोड़ इन बातों को, भूल जा। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि बहन की शादी कैसे हुई। काहर, ये बहुत पुरानी बात है, इसे भूल जाओ। इन बातों में कोई बात बनने वाली नहीं है। और मैं भूलना नहीं चाहता, मैं इससे फिर से ताजा करना चाहता हूं। अजय भैया, देखो मास्टर। वैसे मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अरे छोड़ इन बातों को। क्या बात जी, अगर तुमने सत्य नहीं बताया। ताहर, शायद सरता कमल खान और मोहब्बे के अलहदल को शायद जानता ही होगा, नाम सुना है। उसने आकर के हमारी बेटी बेला की शादी उन्होंने जबरन कर ली। बलखा नहीं, तुम्हारे दंड बात करके पैर पूजा था। जी हाँ, ये पिताजी नहीं, और यही सर, जब तलक काट करके न फेंक दिया तो हमारा नाम। ताहर, पिताजी, मैं अभी और इस से ज्यादा पता ही करना चाहता हूँ। ताहर, तू अभी जवानी के जोश में, तू शायद सुनता जवानी के जोश में है। तुझे यह भी नहीं मालूम है कि मैंने उसके बाद उसके ऊपर कितनी बार चढ़ाई किया है। पिताजी, तब आप अकेले थे, आज आज तेरे बेटा शीर भी ताहर है और सेनापति धांधु है। आज हमारे पास 9 लाख तल है। ताहर, और सीसा गलवा चक्कर में चिटकियों से मसल चुका है। तमाम हमारी भाव शहीद हो गई और उनका तो हम कुछ ना कर सके। अब क्या फायदा है मुफ्त में उन फौजों की जान गंवाने से? कोई फायदा नहीं। पिताजी, तो कैट कर ली लाखों गिरा दू का बसर में। कल में समर देखना कि तुम्हारा बेटा ताहर कैसे समर करता है। ठीक है ताहर, बोल सर, मैं 7 बार उससे प्रार्थ हुआ हूं, लेकिन इस बार एक बार तुम्हारे कहने से मैं उन पर चढ़ाई करना चाहता हूं। है कि पिताजी, वहां जलने से पहले मैं सेनापति धांधु से सलाह लेना चाहता हूं। ठीक है, सलाह ले लो, फिर बाल में फौज को हुक्म दे दी जाए। ऐसा ही होगा। सेनापति, हाँ राजकुमार, मैं चाहता हूं अगर अगर मेरी बात सुनकर के आप नाराज हो जाए। राजकुमार, आखिर जो कहना चाहते हो वो साफ साफ कहो। मैं सलाह लेना चाहता हूं कि आज रात ही रात हम लोग सिरसागर पर चढ़ाई करना चाहते हैं। जान, सिरसागर पर चढ़ाई करना चाहते हो? हाँ, तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार सकते हो। हम लोग सभी साथ में चलते हैं। राजकुमार, तो कुछ का डंका बज चुका और फौज खड़ी तैयार, और सिरसागर में मलखों से और पिट
लिए तैयार है। पिताजी को हुक्म है और आप लोग तैयार है, ठीक है? स्टील के बर्तन है, चलो और सारे का गोहूं लेके हैं। पानी क्या कार के सब निकाल निकाल सब मार दो। चल हम लोगों को नटुआ बना दिया। अरे हम लोग क्षत्रिय है दाहर। चलो फाइट को हुक्म दे दो और खाला चारों तरफ से कह रहे भटौना आए। जब हम पानी चढ़े रहा तो तुम ससुरो का कह रहा हूँ का? हम काका कुछ नहीं। जब हम महाराज के ऊपर पानी धरित रहा तो तुम का कह रहा हो? जब आवत है तो हम काका कुछ नहीं कह रहे। काका थे हम कसम खा ले कहा कुकरिया पूछ पकड़ के हम कुछ नहीं कह रहे। कुकरिया पूछ कुकरिया तो वैसे मर जाये। गाय पूछ पकड़ा रहे कुकरिया पूछ पकड़ा जा रहे कुछ नहीं कह रहे। हमारे काम मत कहो तुम अड़ंगा लगाई हो ससुर तारा मर पाए की बीच बीच में गाड़ खींच लही हो। ए नौ करब कौन चीज का हासिल करम कतरी मेहनत लागत। पहले देखो मेहनत तो बहुत लागत एड़ी एड़ी कजोर चोटी चोटी की नोड़ी एड़ी तक कतरी मेहनत करो बताओ। सिरहाने के लकड़ी पैतन पैतन के लकड़ी सिर इधर के लाठी उधर उधर के लाठी इधर। अब जा करी करी और जोड़ पर जोड़ बैठ। अब गिट्टी गिट्टी आई है अब गिट्टी गिट्टी आई है अभी जई है तो का हमका कुछ मिली रिट्टी भरी हां चाहे उनका बारे चाहे हमका बारे कुछ में मिला तो नहीं है। लेकिन एक बात भैया आप लोग बता दे गरियावे खोए तो ठीक से गरिया और जोर जोर गरिया तुम हम सुनी थी ना। देखो तीन मामा दुनिया बड़े खतरनाक एक कंस मामा सही बात शकुनी मामा और का माहिल मामा सही बात। तो कंस मामा शकुनी मामा तो सहित का देखे ना भैया लेकिन माहिल मामा का जरूर देखे। और यू भैया बात जानो कि जब बावन गढ़ में एक मामा माहिल रहे तो कतरे जन के लड़वावत रहे। आज कलयुग में यहाँ हर घर घर में मामा माहिल है तो बताओ दुनिया कहाँ से मतलब एक घर में एक जरूर तो कहाँ दुनिया कहाँ सुख से चैन से जाए। यह चीज तो है मेरे बप्पा और कह रहा है कि अगर माहिल मामा ना होती तो राजा महाराजा सब बेकार आ रहे हैं बेकार आ रहे हैं। अगर मामा माहिल न होती तो तमाम बीरन के तलवारन में जंगे लग जाती मुर्चा खा लिए तलवारें रियागा हो जाती। लेकिन मामा माहिल भी तिरके रहे कि मुर्चा नहीं लागे रही कहूँ से लड़ाएं रहे नौकर ऐसा है। अब हम चल रहे कहा नवरात का जमाना है थोड़ा प्रार्थना कर ले देवी मैया से अच्छा करो चाहे बुरा करो लेकिन प्रार्थना करो सीधे सीधे अच्छा करो कर्म चाहे अच्छे करो चाहे बुरे करो बढ़ते रहो दो चार दिन बढ़ते रहो देवी गीत गाओ हर करे जून उमाले मुस्कावा की हो झोल झोल ए न करवा। मैं बहुत पहले एक भोजपुरी गीत सुन रहा कहा तो कोई का सुना दे सुनाओ सुनाओ शायद का मजा आ जाए सुनाओ सुनाओ और पसंद आ जाए पसंद आ जाए तो फिर सुनो। हां सुनाओ मंगा के नेट पर सुनो नेट पर मंगा लिया भाई सुनो न करवा। हां सुनाओ तो पहले एक भोजपुरी आई रहा कौन भोजपुरी आए रुना का झुनक मैया आई रे मंदिरा मालिया कर तू जय We'll be right back.
कहानी पर आ जाइए। देखिए सिसागढ़ है, सिसागढ़ में महलों में माता कनका बैठी होती है और शोर गुल सुनते हुए उधर से उनकी बहू गजमोतनी यानी मलखान की पत्नी दौड़ते हुए अपने सासू के पास आती है और देखिए आगे क्या होता है। आप लोग सामने आना पड़ता है। क्यों परेशान हो, आखिर क्या हुआ भैया, आखिर क्या बात है? और कहे तो बनती ही हाल ही साहब चारों निवासी की तरफ से 20 रुपए पुरस्कार है पार्टी के। लाख लाख धन्यवाद, शुक्रिया भैया लिख लियो। अब क्या होगा माँ, सारा सिरसागर प्रतिराज ने खेल लिया माँ, क्या होगा माँ, क्या बहू मैं एक बात बता रही हूँ। देखिए घेरा बटा सरहंदे में सो रहा है, उसे जगा लीजिए, उससे कोई बात नहीं है। लेकिन जो नहीं पाएगा माँ, लेकिन माँ फिर क्या है बहू, मैं उन्हें सोते हुए कैसे जगा सकती हूँ माँ, मैं उन्हें नहीं जगाऊंगी माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। बहू